तभी डॉक्टर सविता को देखने आता है और उसको लगाने के लिए जैसे ही इंजेक्शन निकालता है तो सविता की आंखें लाल हो जाती हैं और वो डॉक्टर को धक्का मार देती है और इंजेक्शन को अपने हाथ में ले लेती है। चुड़ैल का इंजेक्शन। राजू और पिंकी की नई नई शादी हुई थी, वो दोनों बहुत खुश थे और हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो हनीमून पर बाहर गए तो देश भर में डेंगू फैल गया और अचानक से लॉकडाउन लग गया। राजू, तुमने आज की खबर सुनी? क्या ये खबर फैल गई है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है? लो, यहाँ पर भी तुम्हारे चर्चे होने लगे। ये मजाक का वक्त नहीं है राजू, तुम एक बार न्यूज तो देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे तुमसे ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं क्या न्यूज देखूं? पिंकी टीवी में समाचार चला देती है जिसे देखकर सच में राजू के होश बावले हो जाते हैं, पर वो पिंकी को जताता नहीं है और उसे मजाक के तौर पर कहता है, अच्छी बात है लॉकडाउन लग गया, हमें एक साथ और समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, हम फिर से एक साथ रहेंगे, इसमें गलत क्या है? वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर मुझे घर जाना है, मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है, ना जाने ये लॉकडाउन कितने समय का है, ऊपर से ये बीमारी, इससे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, रोज नई नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। सच में चिंता का विषय तो है ही, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, हम दोनों साथ में है ना। राजू और पिंकी दोनों एक साथ समय व्यतीत करते हैं। एक दिन पिंकी को जोर का बुखार हो जाता है, राजू उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहां डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट के लिए कहता है। जब वो अपना टेस्ट कराती है तो उसे डेंगू करार दे दिया जाता है। राजू, मैं डेंगू पॉजिटिव आई हूँ, अब मेरा क्या होगा? तुम फिक्र क्यों करती हो, हॉस्पिटल में रहोगी तो ठीक हो जाओगी, सभी ठीक होकर निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे अस्पताल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। पर पिंकी को डॉक्टर जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और राजू को पिंकी से नहीं मिलने देते। राजू को बहुत चिंता हो जाती है। पिंकी को हॉस्पिटल में रहते रहते एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद राजू को पिंकी के मरने की खबर मिलती है। पिंकी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम सही कह रही थी, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ना एडमिट कराता तो कितना अच्छा रहता, हम दोनों घर चले जाते, अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? राजू पिंकी के गम में उदास रहने लगता है। जब लॉकडाउन खुला तो वो फ्लाइट पकड़कर अपने घर वालों के पास आ गया। राजू को पिंकी के होने का एहसास हमेशा होता रहता था, उसे कभी नहीं लगता था कि पिंकी मर गई है। राजू बेटा, जो चला गया है वो वापस नहीं आता, कब तक उसके गम में इस तरह बैठा रहेगा? अब वो नहीं आने वाली, वो तो चली गई। माँ, मुझे हमेशा यही लगता है कि पिंकी मेरे आसपास ही है, अगर मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो वो मेरे पास ही होती। इस चीज का कब तक अफसोस करेगा, ये बीमारी आई ही ऐसी कि अच्छे अच्छों को लेकर चली गई। सुन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, सविता नाम की, मैं चाहती हूँ कि तू दोबारा अपना घर बसा ले, अभी तेरी उम्र ही क्या है। राजू बेमन से सविता से शादी कर लेता है। समय व्यतीत होता है और सविता गर्भवती हो जाती है। राजू बेटा, सविता पेट से है, अब सविता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, अब वो अपने अंदर एक जान को पाल रही है जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। माँ, कल भी मैं इसको अस्पताल लेकर रूटीन चेकअप के लिए जाऊँगा, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, और कुछ गलती हुई तो आप हो तो सही, हमेशा हमारे साथ। मैं हूँ, पर एक पति का होना बहुत जरूरी है, जब बीबी गर्भवती हो तो जितना अच्छा ध्यान तू रख सकता है उतना अच्छा ध्यान मैं नहीं रख सकती, क्योंकि सविता मुझे कुछ नहीं बताएगी, जो बातें वो तुझे बता सकती है। एक बार सविता बेड पर सोती है तो उसके पेट में अचानक दर्द उठ जाता है। आह, माँ, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसा दर्द है। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही दर्द होगा, रुक मैं राजू को फोन करती हूँ, हम तीनों अस्पताल चलेंगे। हाँ, कलावती राजू को फोन करके बुलाती है। राजू कलावती और सविता को लेकर अस्पताल पहुँचता है, सविता को एडमिट कर लिया जाता है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पिंकी को भी इसी तरह से इन लोगों ने एडमिट कर लिया था, अब मैं सविता को नहीं खोना चाहता, मेरा बच्चा और सविता ठीक तो होंगे ना? तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा, सब ठीक होगा। सविता जब हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई होती है तभी उसको एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है, वो डर के मारे चिल्ला उठती है। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे यहाँ पर लगा जैसे कोई खड़ा हुआ है और
कौन मुझे कह रहा है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। नहीं, सच में यहाँ पर कोई था, जैसे कोई लड़की जो मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रही हो। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो और पानी पियो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। राजू जैसे ही डॉक्टर के पास सारी कहानी बताने के लिए जाता है, वो चुड़ैल अपने रूम में आ जाती है और सविता से कहती है, सविता यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये डॉक्टर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार डालेंगे। सविता यहाँ से भाग जाओ। सविता को बहुत अजीब लगता है और उसकी चीख निकल पड़ती है। तभी राजू आता है और वो सविता से पूछता है, क्या हुआ सविता, तुम चीख क्यों रही हो? मेरा बच्चा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बच्चे को, तुमने सपना देखा है शायद। तुम यहीं पर हो और हमारा बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं है, वो सुरक्षित है। तभी डॉक्टर सविता को देखने आता है और उसको लगाने के लिए जैसे ही इंजेक्शन निकालता है तो सविता की आंखें लाल हो जाती हैं और वो डॉक्टर को धक्का मार देती है और इंजेक्शन को अपने हाथ में ले लेती है। कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है तू सविता को? तू भी इसे मेरी तरह मारना चाहता है जिस तरह से तूने मेरी जान ली थी? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सविता ये क्या हरकत है, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और तुम मुझ पर हावी हो रही हो। राजू पकड़ो इसे। हम तुम्हें भगवान का रूप मानते हैं और तुम लोगों ने भगवान के नाम को ही बदनाम कर दिया। तुम इस इंजेक्शन को लगाकर सविता को मारना चाहते हो ना, जिससे तुम इसके बॉडी पार्ट्स को बेच सको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो मेरे साथ हुआ अब वो किसी के साथ नहीं होगा। तभी सविता का रूप पिंकी में बदल जाता है, जिसे देखकर राजू पीछे हट जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। पिंकी एक भयानक चुड़ैल के रूप में होती है और पिंकी ने डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लेकर डॉक्टर को ही लगा दिया होता है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है और चुड़ैल बनी पिंकी डॉक्टर को मार डालती है। पिंकी तुम यहाँ और वो भी चुड़ैल के रूप में, मैं कुछ समझा नहीं। राजू मैं मरी नहीं थी और ना ही मुझे डेंगू हुआ था। इन डॉक्टरों ने मुझे डेंगू पॉजिटिव बताकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी और एक हफ्ते के अंदर मेरे शरीर के सारे अंगों को निकाल निकाल कर बेच दिया और एक हफ्ते बाद मुझे मृत घोषित कर दिया। याद है राजू तुम्हें, मेरी डेड बॉडी भी नहीं दी थी इन्होंने तुम्हें। हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं ये सब कविता के साथ नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने चुड़ैल के रूप में आकर कविता को यहाँ से भाग जाने को कहा था। पर ये डॉक्टर उसे भी मारने वाला था, पर मैंने सविता के बदले डॉक्टर को ही मार डाला। पिंकी तुमने मरकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता रहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता था पिंकी। मैं जानती हूँ राजू तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर जितना प्यार तुम मुझसे करते थे वो अब सविता और उसके बच्चे को करना। मैं हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। सविता सुरक्षित अपने घर वापस आ जाती है, परंतु राजू को चैन नहीं पड़ता और वो हॉस्पिटल में हुए धंधों के विरुद्ध आवाज उठाता है और उस हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों को पुलिस से पकड़वा देता है जिसने ये गंदे काम किए थे। कुछ समय बाद सविता की डिलीवरी हो जाती है और एक लड़की को वो जन्म देती है। राजू उस लड़की का नाम पिंकी रखता है।